हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल क्रोम में वेबसाइट्स को कैसे ब्लॉक करना है। अगर आप भी गूगल क्रोम में बैड वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूं। इस सेटिंग को करने के बाद आपके गूगल क्रोम में बैड साइट्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे। गूगल क्रोम में वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए आपको गूगल क्रोम ऐप ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ऐप ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ऊपर आपको तीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उन तीन डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप तीन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ सिक्योर DNS ऑटोमेटिक, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको चूज़ एनदर प्रोवाइडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फ़िल्टर के ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे आप इस DNS को चूज़ करेंगे तो आपके गूगल क्रोम में बैड साइट्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस तरह आप इस DNS को चूज़ करके अपने गूगल क्रोम में वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।